यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जब वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटे? ओके, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। सर स्वागत छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ सर, पिछले दो हफ्ते हो गए हैं कोई भी वीडियो नहीं डाला, कहाँ चले गए सर, कहाँ गुम हो गए थे? ज्यादा होली मना रहे थे क्या? एक्चुअली आप लोगों के लिए कुछ मैं काम कर रहा था। अभी आपको मालूम है कि अपना जून का एग्जाम जो है वो आने वाला है, तो टोटल मिला के लगभग 2-2.5 महीने अपने पास में जो है अभी पेंडिंग है, ठीक है? 2-2.5 महीने अपने पास में पड़े हैं, तो उसके अंदर कैसे तैयारी करनी है, क्या अप्रोच हम लेके चलें, किस तरीके से हम लोग जो है वो प्रिपरेशन करें ताकि हमारा जो एग्जाम है वो बढ़िया मार्क्स से जो है वो क्लियर हो जाए, पेपर वन को कितना टाइम दे, पेपर टू को कितना टाइम दे, क्या स्ट्रेटजी हमारा होना चाहिए, तो उस सब के लिए जो है वो मैं एक पूरा प्रोफॉर्मा जो है वो मैंने तैयार किया है, तो कल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और अब डेली बेसिस पे मतलब 50 डेज का एक टारगेट हम लेके चलेंगे और उन 50 दिनों के अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीट पेपर नंबर वन, पेपर नंबर टू, उनकी रिवीजन और उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो कल से डेली बेसिस पे हम लोग जो है वो इवनिंग के अंदर जो है वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा, एग्जाम के अंदर काफी हेल्प आपको मिलने वाला है। ओके जी, ठीक है सर, ये तो हम कर लेंगे। आप ये बताओ आज के इस वीडियो के अंदर आप क्या करवाओगे? आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल बिजनेस, इन दोनों में ही एक टॉपिक जो है वो इंक्लूड है। इन दोनों में एक टॉपिक पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन आता है यहां से, जिसको बोलते हैं के शेप रिकवरी, ठीक है? जब अर्थव्यवस्था के अंदर डिप्रेशन आता है तो डिप्रेशन की सिचुएशन के बाद में किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, जीडीपी कैसे ग्रो करता है, तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना? अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। रिसेशन के बाद में जो है, जब रिसेशन के बाद में रिकवरी आएगी तो उस रिकवरी के कई सारे कॉन्सेप्ट है। कुछ एल शेप रिकवरी होती है, कुछ यू शेप रिकवरी होती है, कुछ वी शेप रिकवरी होती है, कुछ डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है। उसी तरीके से एक होता है आपका के शेप रिकवरी, ठीक है ना? तो के शेप रिकवरी से पहले भी एग्जाम के अंदर 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिलेबस के अंदर तो नहीं दिया गया, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग जो बढ़िया तरीके से इसको मैं करवा दूं। और आप लोगों ने शायद ही इसको मास्टर्स में या बैचलर डिग्री के अंदर पढ़ा होगा, मतलब बीकॉम या एमकॉम के अंदर मुझे लगता नहीं है आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर हम लोग जो है वो एक वीडियो बनाए और बढ़िया तरीके से इसको कवर करें, ताकि एग्जाम में यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका वो इजीली जो है वो कवर हो जाए। ओके जी सर, और चांसेस है इस बार कि एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इस बार जो मैं नए कॉन्सेप्ट करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जो अपकमिंग जो पेपर होने वाला है जून 2024 में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, तो उनको आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना? जी सर, चलो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक का। टॉपिक का नाम जो है वो है के शेप रिकवरी। टॉपिक का नाम जो है वो क्या है? के शेप रिकवरी। अब ये के शेप रिकवरी क्या है? देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं बिजनेस साइकिल के बारे में। आओ एक बार के लिए, जो अपने बिजनेस साइकिल होती है, बिजनेस साइकिल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जैसे पीक आएगा, ठीक है, बूम की सिचुएशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है, बूम आएगा, फिर आप पीक पे पहुंच जाओगे, फिर पीक पे जाने के बाद में फिर धीरे धीरे जो है वो क्या होगा, रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद में जो है फिर क्या आएगा, डिप्रेशन की सिचुएशन आएगी, और बिल्कुल वो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थ्रो। थ्रो के बाद में फिर धीरे धीरे क्या होगा, रिकवरी आएगा, और रिकवरी के बाद में जो है वो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ये जो है वो बेसिकली सिनेरियो होता है जो इकोनॉमी के अंदर अक्सर चलता है, ठीक है ना? तो अगर हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल का, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल अक्सर इसको बोल देते हैं, ठीक है ना? तो बिजनेस साइकिल के अंदर जो है क्या होता है, सबसे पहले ये आपका जीडीपी का लेवल है, ओके, बेसिक जीडीपी लेवल है, तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, बूम का सिचुएशन आएगा, जिसके अंदर जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, राइज होती है। बूम के बाद में आप पीक लेवल पर जब पहुंचेंगे तो उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे जो है वो क्या आएगी, रिसेशन आएगा। रिसेशन के बाद में जब रिसेशन लंबे समय तक परसिस्टेंट रहता है तो सिचुएशन कैसी आ जाती है इकोनॉमी में, डिप्रेशन की। फिर क्या आ जाएगा, डिप्रेशन। ये जो फेज है डिप्रेशन का फेज होता है, ठीक है ना? ये जो नीचे जा रही है यहां से इकोनॉमी, तो जीडीपी आपका नीचे जा रहा है, तो ये क्या, डिप्रेशन। डिप्रेशन के बाद वो जो लोवेस्ट पॉइंट जहां पे जाके जीडीपी जो है वो आपका स्टक हो गया, और अब उससे क्या आएगी, रिकवरी आएगी धीरे धीरे, तो वो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थ्रो, टी आर ओ यू जी एच, क्या बोलते हैं, थ्रो। थ्रो के बाद में जो है वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से जो है वो जीडीपी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और फिर रिकवरी आएगा। तो इस फेज को क्या बोलेंगे, रिकवरी। और रिकवरी के बाद में जब बेसिक जीडीपी लेवल से हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो करना शुरू करेगा, तो फिर उस स्टेज को बोलेंगे हम लोग क्या, एक्सपेंशन फेज। क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन फेज। ये होता है आपका बिजनेस साइकिल। ये क्या है, बिजनेस साइकिल। तो देखो अक्सर क्या होता है कि जब कभी भी इंसान गिरता है तो गिरने के बाद में जो है वो क्या होगा, उठेगा। अब दो तरह के वहां पे लोग होते हैं। एक होता है जब दो लोग भाग रहे थे और दोनों जो है वो उनका पैर फिसल गया, दोनों के दोनों गिर गए। अब वहां पे दो तरह के लोग होंगे, एक पर्सन होगा जो उसी टाइम जो है वो खड़ा होगा और जितनी स्पीड से वो पहले दौड़ रहा था उससे और ज्यादा स्पीड से वो दौड़ेगा, ठीक है। और वहीं पर वो एक पर्सन होगा जो गिरा और गिरने के बाद में अब वो जो है वो क्या करेगा, गिरता ही रहेगा, मतलब इसका मतलब पड़ा ही रहेगा वो,
ठीक है ना। तो वहां पे ये जो दो तरह के लोग हैं, इसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर भी दो तरह की इंडस्ट्री होती है। जब कभी भी रिसेशन का फेज आएगा तो रिसेशन के फेज के बाद में कुछ ऐसी इंडस्ट्री होंगी जो एकदम से रिकवर करेंगी और बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो उनके अंदर आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखने को मिलेंगे, और कुछ इकोनॉमी और कुछ इंडस्ट्री ऐसी होंगी इकोनॉमी में जो रिसेशन के बाद भी जो है वो गिरती चली जाएंगी। तो वहीं से जो है वो एक अल्फाबेट जो के है उसके हिसाब से जो है वो देखा गया कि रिसेशन के फेज के बाद में दो तरह की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगी। एक होंगी आपकी जो रिसेशन के बाद में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगी, और एक होंगी जो रिसेशन के बाद में जो है और भी गिरते चले जाएंगे। तो वहां से जो है एक कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, के शेप रिकवरी। तो एक सिंपल सा सिनेरियो आप लेके चलना कि दो दोस्त आपस में भाग गए थे और दोनों गिर गए, गिरने के बाद में एक दोस्त खड़ा हुआ और भी स्पीड से भागने लगा। तो ये है वो दोस्त, ठीक है ना। जैसे दो दोस्त भाग रहे हैं, अब दोनों यहां पे गिर गए, गिरने के बाद में जो है वो एक दोस्त ऐसा है जो गिरा और गिरने के बाद दुगनी स्पीड से भागने लगा, ये देखो ये रिकवरी आ गई। और एक दोस्त ऐसा है जो गिरा और गिरने के बाद वहीं रह गया और भी, बल्कि लोग उसके ऊपर से जो है उसको कुचलना शुरू कर दिया लोगों ने और वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाया, वो है ये दूसरे वाला दोस्त, ठीक है ना। तो यहां से क्या देखने को मिला कि इकोनॉमी के अंदर दो तरह की इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है जो रिसेशन के बाद में बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है और एक है जो गिरती चली गई है। तो यहां से जो है वो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, के शेप रिकवरी। अब के शेप रिकवरी की अगर हम बात करते हैं तो देखो जैसे कोविड आया, ठीक है, तो कोविड के अंदर अक्सर आपने देखा कोविड के जस्ट बाद जो है जो रिसेशन आ गया, रिसेशन के बाद में जब कंपनी ने बूम करना शुरू किया, जब इकोनॉमी ग्रो करनी शुरू हुई, तो वहां पे जो टेक कंपनीज है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशन है, जो प्रोफेशनल टैलेंट वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है रिकवरी किया, ये देखो। और वहीं पे जो नॉन टेक फर्म्स हैं, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, उनकी जो सिचुएशन और भी क्या होगी, वर्सन हो गई है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, के शेप रिकवरी। इसको मैं समझाता हूं आपको बढ़िया तरीके से, ये देखो एक कॉन्सेप्ट है के शेप रिकवरी, अब उसको हम इस तरीके से समझेंगे। देखो यहां पे ना मैंने क्या किया है, मैंने एक मतलब लाइन ग्राफ के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके। तो लाइन ग्राफ के थ्रू अगर हम देखते हैं, ये है आपका जीडीपी, ठीक है, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई, तो ओ वाई एक्सिस के ऊपर आपको जीडीपी देखने को मिलेगा और जो आपका ओ एक्स एक्सिस है यहां पर देखने को मिलेगा आपको टाइम, ठीक है। तो कोविड से पहले जो अब यहां पे दो तरह की इंडस्ट्री है, एक है रिकवरिंग इंडस्ट्री जिसके अंदर बेसिकली टेक्नोलॉजी वाली, रिटेल वाली, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये इंडस्ट्री आ गई, और एक है इंडस्ट्री नीडिंग असिस्टेंट जिसके अंदर जैसे ट्रेवल, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ठीक है, ये सब इंडस्ट्री आ गया, ओके। तो अब आप एक तरीके से ये देखो कि दो तरह की इंडस्ट्री है, एक तो ये है इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी रिटेल सेक्टर में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और एक है ये इंडस्ट्री ट्रेवल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी एक्सेट्रा। तो कोविड से पहले ये दोनों एक तरीके से जो है वो एक साथ ही ग्रो कर रही थी, ये कोविड से पहले की सिचुएशन है, ये देखो ये जो ब्लू वाली है ये है आपकी कौन सी, टेक्नोलॉजी रिटेल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और जो आपका रेड वाला है ये है आपका ट्रेवल, एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटलिटी, ठीक है। तो ये बिफोर कोविड की कहानी है, ये कोविड से पहले ये सब चला था, बिल्कुल सेम लेवल के ऊपर दोनों इंडस्ट्री जो है वो अपना काम कर रही थी, दोनों ग्रो कर रही थी, ओके। देन उसके बाद में जो है वो कोविड आया, और भाई साहब जब कोविड आया दोनों की दोनों क्या, पूरा का पूरे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंडस्ट्री है सारी की सारी गिरी एक बार, तो सभी इंडस्ट्री जो है वो गिर गई। आप देखिएगा निफ्टी किस लेवल पे आ गया था, कितनी कंपनी है निफ्टी के अंदर, सारी की सारी डूब गई एक बार के लिए। तो जब कोविड आया, इकोनॉमिक रिसेशन का फेज आया, तो इकोनॉमिक रिसेशन के फेज में दोनों की दोनों इंडस्ट्री जो है वो क्या हुई, डूबी, और डूबने के बाद में अपने लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। देन उसके बाद में जब रिकवरी का फेज आया, तो ये जो इंडस्ट्री है, जो रिकवरिंग इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में डील कर रही है या रिटेल सेक्टर में है या सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है, इन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से जो है वो क्या किया, ग्रो किया। तो एक तो यहां पहुंच गए, ध्यान देना, एक तो ऐसे चल पड़ी, और जो दूसरी है ट्रेवल, जब कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद ट्रेवल हो गया, एंटरटेनमेंट या हॉस्पिटलिटी, ये इंडस्ट्री पूरी तरह से जो वो क्या हो गई, खत्म हो गई। आप देखिएगा कोविड से पहले वेब सीरीज का चलन इतना नहीं था, लेकिन कोविड के बाद वेब सीरीज का चलन कितना ज्यादा हो गया। अब जो है वो नॉर्मल जो मूवीज आती हैं, तो लोग पीवीआर में इतना आपको जो है वो भीड़ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेज जो है वो इंटरनेट के ऊपर आ गए हैं, लोग अपने मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो देख लेते हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल है मोबाइल के अंदर। तो लोग जो है अब क्या करते हैं, जो पहले सिस्टम होता था क्या कि पीवीआर में जाके जो हम मूवी देखेंगे, तो वो सिस्टम अब क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जब रिसेशन आया, जब इकोनॉमिक रिसेशन आया, तो इकोनॉमिक रिसेशन के बाद में अब कुछ इंडस्ट्री जो एकदम जो है वो क्या कर गई, ग्रो कर गई, जिसको बोलते हैं रिकवरिंग इंडस्ट्री, और कुछ इंडस्ट्री जो है वो बल्कि
जिन्होंने रिकवर करना था और वो बल्कि और भी नीचे लेवल पर जो है वो जाने शुरू हो गए, जिनको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, जब तक सरकार जो है इनको सहायता नहीं देगी तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, के शेप रिकवरी। तो अर्थव्यवस्था के अंदर अक्सर रिकवरी के फेज के बाद में आपको, मतलब डिप्रेशन के फेज के बाद में जब रिकवरी आएगी तो वहां पे आपको दो तरह की इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। बोले तो इकोनॉमी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक होंगी रिकवरिंग इंडस्ट्री और एक होंगी बेचारी हमारी कौन सी, जिनको असिस्टेंस की जरूरत है, जिनको सहायता की जरूरत है। चलो अब आएंगे और हम लोग जो है अपनी बुक के अंदर आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना शुरू करेंगे केशेप रिकवरी क्या होता है। केशेप रिकवरी की अगर बात करता हूं तो बोलता है एक केशेप रिकवरी डिवाइड करता है इकोनॉमी को, जो केशेप रिकवरी है वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहां डिवीजन यू नहीं है कि आप उसमें लकीरें मार दोगे, ऐसा नहीं है। डिवीजन का मतलब ये है हम इंडस्ट्री को चेक करेंगे, उसका ग्रोथ रेट चेक करेंगे और उसके बेस पर उनको दो पार्ट में बाइफरकेट कर देंगे, ठीक है, विद डिवीजन। और जो डिवीजन होगा किसके बेस पर होगा, वेल्थ के बेस पर, ज्योग्राफिक के बेस पर या इंडस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। इट इज कॉल्ड केशेप रिकवरी बिकॉज एट इट्स मोस्ट बेसिक वन पोर्शन तो इकोनॉमी इज बाउंसिंग बैक। इसको केशेप रिकवरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक पोर्शन तो क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, रिकवरी आपका डिप्रेशन का फेज है और उसके बाद एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाउंसिंग बैक एंड इंक्रीजिंग इन वैल्यू, ठीक है, एंड द अदर कंटिन्यू टू सफर द इफेक्ट ऑफ द रिसेशन। और जो दूसरा जो आपका एस्पेक्ट है इकोनॉमी के अंदर, मतलब जो सेकंड टाइप की इंडस्ट्रीज है वो अभी भी जो है वो क्या करेंगी, सफर करेंगी, ठीक है ना। तो इसको ये है आपका के शेप्ड रिकवरी, ठीक है। ये देखो एग्जांपल जैसे यहां पे बताया, ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है। तो ये आउटपुट है अपना, ठीक है, जो ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स और ये ओ वाई। तो यहां पर आपको जो है वो दे रखा है क्या, जीडीपी, ठीक है, और यही दे रखा है आपको क्या, टाइम, ओके। तो सबसे पहले ये बिजनेस साइकिल जो चल रहा था ये पीक का सिचुएशन था, इसके बाद में एकदम से जो है वो क्या आ गया, रिसेशन आ गया, ठीक है, डिप्रेशन आ गया और इस लोवेस्ट पॉइंट के पास में पहुंच गए आप। अब यहां से कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो रिकवर कर जाएंगी। ये देखो ये जो ग्रीन वाली है ये क्या करेगी, सम पार्ट ऑफ द इकोनॉमी रिकवरिंग। तो ये जो इंडस्ट्री जो क्या कर गई, रिकवर कर गई, और कुछ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो यहां से और भी नीचे जाने शुरू होगी, स्टैग्नेटिंग, ठीक है, सम पार्ट्स स्टैग्नेटिंग और सिंकिंग। तो ये देखो आप कुछ इस तरीके से अगर आप देख रहे हो, ये देखो ये क्या बन गया, के ही तो बन गया एक तरीके से। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, के शेप्ड रिकवरी। क्या बोलेंगे, के शेप्ड रिकवरी। आइए, व्हेन एन इकोनॉमी रिकवर, जब एक इकोनॉमी जो है वो क्या होती है, रिकवर होती है फॉलोइंग रिसेशन, मतलब जब एक अर्थव्यवस्था जो है रिसेशन के बाद में क्या होती है, धीरे धीरे करके रिकवर करती है। जब रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ गई, और मंदी के बाद में जब वो क्या करेंगी, रिकवर करना स्टार्ट होंगी। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी टेक ऑन डिफरेंट पार्ट टू रिकवर। तो अलग अलग एस्पेक्ट जो है आपको रिकवरी के देखने को मिलेंगे। एंड ए कॉमन सिनेरियो इज व्हेन ए सर्टेन डेमोग्राफिक और इंडस्ट्रियल रिकवरी फ्रॉम ए रिसेशन बिफोर अदर्स डू। और कॉमन पार्ट आपको ये देखने को जो है वो मिलेगा कि कुछ इंडस्ट्री जो है वो जब बाकी इंडस्ट्री अभी रिकवर नहीं करी और वो पहले ही जो है वो क्या कर जाएंगी, रिकवर कर जाएंगी, ठीक है जी। समरी जो है वो क्या है, बोलता है केशेप रिकवरी इज व्हेन वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रीबाउंड फ्रॉम ए रिसेशन। केशेप रिकवरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इकोनॉमी के इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उनको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, जो एक सेक्टर है, ठीक है, वो क्या कर गया, रीबाउंड कर गया, किससे, रिसेशन से। तो बोलता है केशेप रिकवरी इज व्हेन वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रीबाउंड फ्रॉम ए रिसेशन, जब वो रिसेशन से रीबाउंड कर गया और जो अनदर सेक्टर था इकोनॉमी का बट कंटिन्यू टू डिक्लाइन ड्यूरिंग ए रिसेशन, तो वो रिसेशन के अंदर भी क्या करता गया, डिक्लाइन करता गया, उसके बाद भी क्या करता गया, डिक्लाइन होता गया। ए के शेप रिकवरी इज पॉसिबल ड्यू टू द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड इंडस्ट्री। ऐसा क्यों होता है, आप देखिएगा जब कोविड आया तो कोविड के बाद में जो है जो ऑफलाइन कोचिंग थी उनका कॉन्सेप्ट जो है बहुत कम हो गया। आप खुद देखिएगा लक्ष्मी नगर के अंदर पहले जो यूपीएससी की कोचिंग प्रोवाइड करते थे तो सॉरी उन्होंने इतने सारे बिल्डिंग ले रखी थी, लेकिन जब कोविड था, कोविड चला था, तो उस टाइम पे जो है लोगों ने मतलब फिजिकली वहां पे कोचिंग लेना जो है पसंद नहीं किया, तो लोगों ने जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो कोचिंग लेना पसंद किया, ठीक है भाई। क्यों जाए वहां पे, किसी के कॉन्टेक्ट में आ गया और मान लो अगर कोई बीमारी बुमारी हो गई तो क्या ही बेनिफिट है। तो अब ये देखिएगा जब कोविड खत्म हो गया तो उसके बाद भी सिनेरियो जो है वो अब चेंज ही हो गया, मतलब ऑफलाइन कोचिंग का जो सिनेरियो है वो काफी हद तक जो है वो अब आपका चेंज हो गया और लोग ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर जो शिफ्ट हो गए हैं। तो कई बार क्या होता है, ऐसा कोई सिचुएशन आएगा ना तो ओल्ड इंडस्ट्री का कोई सब्सिट्यूट मिल जाएगा, और फिर जब रिकवरी आएगी ना तो ओल्ड इंडस्ट्री रिकवरी नहीं कर पाएगी क्योंकि एक बेटर सब्सिट्यूट आपके सामने जो है वो अवेलेबल हो गया है। तो क्या बोलते हैं सॉरी, ए केशेप रिकवरी इज पॉसिबल ड्यू टू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड इंडस्ट्री। कि ओल्ड इंडस्ट्री का क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, ड्यू टू क्यों, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यू
इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द रिसेशन। रिसेशन के अंदर जो है वो क्या हो गया, नई इंडस्ट्री जो है वो डेवलप, नई इंडस्ट्री डेवलप हो गई, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, और जिसकी वजह से पुरानी वाली अब पूरी तरह से क्या हो गई है, ध्वस्त हो गई है। चाहे सब कुछ अब बढ़िया हो गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर भी वो जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई है। ऑल्सो कई, और फिर क्या हुआ कि रिकवरी के लिए गवर्नमेंट भी अपनी कुछ पॉलिसीज बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी। उसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ मान लीजिए कदम उठाए जिनसे वो इंडस्ट्री अब ग्रो ही नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। तो क्या है, ऑल्सो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी लाइक मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी यूज्ड टू कॉम्बैट, उसको मतलब गवर्नमेंट भी इन पॉलिसीज का सहारा लेती है क्या करने के लिए, रिसेशन से बचने के लिए, ठीक है। इट कैन लेड टू के शेप रिकवरी, जिसकी वजह से क्या आती है, के शेप रिकवरी। क्योंकि जब गवर्नमेंट रिसेशन से उभरने की सोचेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट देखेगी जो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है उसको हम क्या करें, असिस्टेंस प्रोवाइड करें, ताकि वो जल्दी से ग्रो होंगी और अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो एकदम से क्या आएगी, रिकवरी आएगी। समझ रहे हो ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट का ध्यान ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर हो जाएगा जिसमें गवर्नमेंट को लग रहा है कि जल्दी रिकवरी आ सकती है, और जहां पे प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, जहां गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये इंडस्ट्री डेवलप होगी तो इससे लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो गवर्नमेंट उनको जो है वो क्या करेगी, डेवलप करना स्टार्ट करेगी। समझ रहे हो। तो उसकी वजह से होगा क्या कि पुरानी जो इंडस्ट्री जिसके ऊपर गवर्नमेंट जिसको असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी उस पे से ध्यान गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कुछ इंडस्ट्री एकदम से ग्रो कर जाएंगी और कुछ इंडस्ट्री नीचे चली जाएंगी, वही है आपका के शेप रिकवरी। आइए पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द के शेप रिकवरी, द टर्म के शेप रिकवरी इज एन अनयूजुअल फॉर्म ऑफ रिकवरी। एक तरीके की एबनॉर्मल टाइप की रिकवरी है, एबनॉर्मल टाइप की रिकवरी है। एज ट्रेडिशनली इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट रिसेशन, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जब कभी भी रिसेशन आता है तो रिसेशन की वजह से जो है वो सभी इंडस्ट्री के ऊपर क्या पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब जैसे जब कोविड आया तो कोविड के अंदर सभी इंडस्ट्री ठप हो गई, लेकिन जो ऑनलाइन जो बिजनेस थे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। जो ऑनलाइन कोचिंग थी वो डेवलप होने स्टार्ट हुई। एक तरफ तो सभी इंडस्ट्री जो है वो डूब चुके हैं, लेकिन वहीं पे जो ऑनलाइन सिस्टम था उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या बोलते हैं, However, in a K-shaped recovery, some industry are on better path to recovery than other, and there are three key reasons. और उसके पीछे तीन रीजन है। सबसे पहला, as described by the economist Joseph Schumpeter, a K-shaped recovery is possible due to the creative destruction of old industry due to development of the new industry and technology during the recession. ऐसा क्यों होता है, K-shaped recovery क्यों होती है, क्योंकि जब recession का period चला था तो वहां पे नई industry develop हो गई है या नई technology आ गई, और जिसकी वजह से जो है वो क्या हो गया, अब वो इंडस्ट्री, वो जो नई जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है वो एक झटके में जो है वो क्या करेगी, वी शेप रिकवरी करेगी। आगे सेकंडली, और फिर गवर्नमेंट भी कहीं उसके लिए जो है वो लाइबल है। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, रिसेशन से उभरने के लिए जो है वो कुछ पॉलिसी बनाती है। तो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी लाइक मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी, उनको गवर्नमेंट यूज करती है क्या करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, बचने के लिए, किससे, रिसेशन से। इट कैन लेड टू के शेप रिकवरी, और जिससे भी क्या आता है, के शेप रिकवरी आएगा। ड्यू टू द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, सर्टेन इंडस्ट्री विल बेनिफिट मोर देन अदर, ठीक है जी। एंड लास्टली, ड्यू टू द नेचर ऑफ द रिसेशन, इट एक्सर्ट ए यूनिक इंपैक्ट ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, स्पेशली व्हेन ए रिसेशन इज कपल्ड विद अ नेगेटिव रियल इकोनॉमिक शॉक दैट रिजल्ट इन अ लास्टिंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो कई अक्सर ये देखा गया है कि जब कभी रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद में जब रिकवरी का फेज आएगा ना, तो कुछ इंडस्ट्री एकदम से ग्रो कर जाएंगे और कुछ जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो जल्दी से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर जो वो रिकवरी आएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, के शेप रिकवरी। आगे देखिएगा, केशेप रिकवरी वर्सेस अनदर रिकवरी, अपार्ट फ्रॉम द केशेप रिकवरी देयर आर अदर क्लासेस ऑफ रिकवरी दैट द इकोनॉमी एक्सपीरियंस आफ्टर ए रिसेशन। रिसेशन के बाद जो है वो इकोनॉमी जो है वो अदर टाइप ऑफ रिकवरी को भी जो है वो क्या करती है, फेस करती है। एंड इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई देम बेस्ड ऑन द लेटर्स। एक एल शेप रिकवरी, एल शेप रिकवरी बहुत ही पुअर तरह की रिकवरी होती है, इसके अंदर इकोनॉमी कभी भी पूरी तरह से रिकवर कर ही नहीं पाएगी। एल शेप रिकवरी क्या है, एन इनॉर्मस रिसेशन, लंबे समय तक रिसेशन चलेगा, वेयर द इकोनॉमी टेक मोर देन ए ईयर टू रिकवर, जहां पे रिकवरी के लिए इकोनॉमी को बहुत सारा वक्त लग जाता है, उसको बोलते हैं एल शेप रिकवरी। तो यहां पे क्या रहेगा, स्लो रेट रहेगा रिकवरी का, विद परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट। रिकवरी का जो रेट है वो बहुत ही स्लो होगा और लगातार अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी, एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है आपका एल शेप रिकवरी। एक होता है यू शेप रिकवरी। यू शेप रिकवरी जो है वो क्या, यू शेप से पहले आपको वी शेप पढ़ाता हूं मैं। वी शेप देखो, वी शेप जिसको हॉकी स्टिक रिकवरी बोलते हैं, आपको याद करके जाना पड़ेगा। वी शेप रिकवरी को क्या बोलते हैं, हॉकी स्टिक रिकवरी। वी कैसा होता है, इस तरीके का कि एकदम से फॉल आएगा, देन उसके बाद शार्प रिकवरी आएगी। क्या आएगा, शार्प रिकवरी।
इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। तो वी शेप रिकवरी या हॉकी स्टिक रिकवरी, व्हेन देयर इज अ शार्प डिक्लाइन फॉलोड बाय ए क्विक रिकवरी। जब शार्प डिक्लाइन आया, एकदम से इकोनॉमी जो है वो नीचे गिर गई, एकदम से जीडीपी नीचे गिर गया, और फिर एकदम से जो वो क्या है शार्प रिकवरी आ गई है, उसको बोलते हैं वी शेप। ठीक है ना, तो जैसे ये इस तरीके से देखो, ये जीडीपी पहले ये था, एकदम से गिरा, फिर एकदम गिरने के बाद में इस लोवेस्ट के पास पहुंच के फिर एकदम से क्या आ गई, रिकवरी आ गई। दिस इज नोन एज अ वी शेप रिकवरी। तो वी शेप रिकवरी को हम हॉकी स्टिक रिकवरी बोलते हैं। व्हेन देयर इज अ शार्प डिक्लाइन, जब क्या एकदम से जो है डिक्लाइनिंग होगा, एंड फॉलोड बाय, और उसके बाद में क्या होगा, क्विक रिकवरी आएगा, उसको बोलेंगे वी शेप रिकवरी। ठीक है जी। अब यू शेप पढ़ो। यू शेप क्या है, यू शेप भी जनरली ऐसी है कि पहले क्या आएगा, डिक्लाइन फेज आएगा और फिर रिकवरी आएगा, लेकिन यहां पे एक बीच में जो है वो क्या है, यहां पे रिकवरी उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी वी शेप में होती है। तो क्या बोलते हैं, ए शार्प डिक्लाइन, एकदम से डिक्लाइन है, फॉलोड बाय ए टाइम वेयर द इकोनॉमी सिटिंग एट ए लो पॉइंट बिफोर फाइनली रिकवरिंग। तो यहां पर क्या होगा, पहले जो है वो जीडीपी जो है वो क्या होगा, डाउन जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, और फिर यहां से धीरे धीरे करके रिकवर करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे रिकवरी तो होगी, लेकिन इट इज स्लोअर देन वी शेप। वी शेप से इसका जो पेस रहेगा रिकवरी का वो क्या रहेगा, थोड़ा सा स्लो रहेगा, उसको बोलेंगे यू शेप। और फिर आएगा डब्ल्यू शेप रिकवरी, जिसको डबल डिप रिकवरी बोलते हैं। डब्ल्यू कैसा होता है, इस तरीके का ये होता ना। तो यहां पे पहले इकोनॉमी नीचे गई, फिर एक बार जो है एक तरीके से टेम्परेरी जो है वो क्या होगी, जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन दोबारा से डिप लेगा, और फिर यहां से जो है वो क्या आएगी, रिकवरी आएगी। तो इसको बोलते हैं डब्ल्यू शेप रिकवरी। तो डब्ल्यू शेप रिकवरी को क्या बोलते हैं, डबल डिप रिसेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, व्हेन द इकोनॉमी हिट रॉक बॉटम फॉलोड बाय टेम्परेरी इंक्रीज एंड फिनिशिंग विद अदर डिक्लाइन, अनदर डिक्लाइन। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, या इसको डबल डिप रिसेशन भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो था के शेप, वो इस तरीके का है, ये है के शेप रिकवरी। फिर था आपका कौन सा, एल शेप, ये हमने देख लिया। एल शेप के अंदर क्या रहेगा, इकोनॉमी कभी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाएगी, और यहां पे जो है वो क्या रहेगा, रिकवरी का जो रेट है वो बहुत स्लो रहेगा, एंड परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। ठीक है जी। यू शेप रिकवरी के अंदर जो है वो क्या होगा, ए शार्प डिक्लाइन होगा, एंड फॉलोड बाय ए टाइम वेयर द इकोनॉमी सिटिंग एट ए लो पॉइंट, फाइनली फिर धीरे धीरे क्या क्या करेगा, रिकवर करेगा। डब्ल्यू शेप रिकवरी, इसको डबल डिप रिसेशन भी बोला जाता है। तो इसके अंदर जो है इकोनॉमी जो है वो दो बार जो है वो बॉटम पर जाएगी, एक बार ये, फिर एक बार ये, और फिर जो है वो क्या करेगी, रिकवरी। और वी शेप रिकवरी, जिसको हॉकी स्टिक रिकवरी बोलते हैं, व्हेन देयर इज अ शार्प डिक्लाइन, जब एक बार जो है शार्पली क्या होगा, जो जीडीपी है वो डिक्लाइन करेगा, देन उसके बाद में शार्प रिवर्सल आएगा, उसको बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी। ओके जी सर। आगे कंक्लूजन जो है वो क्या है, बोलते हैं द के शेप रिकवरी एक प्रोमिनेंट पैटर्न है। के शेप रिकवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो देखा गया है आफ्टर रिसेशन, जो रिसेशन के बाद अक्सर देखा जाता है, एंड द वर्ल्ड सो इट इन फुल इफेक्ट। और वर्ल्ड ने, पूरे संसार ने कोविड 19 के बाद में इसका पूरा इंपैक्ट देखा कि किस तरीके से के शेप रिकवरी आती है, कि कोविड 19 के बाद में कुछ इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर गई और कुछ बिचारी रह गई। ठीक है ना, तो ये अक्सर कोविड, मतलब ये कोविड 19 के बाद में जो है वो देखा गया है। इट एक्सर्बेटेड द इनइक्वालिटी, ये बेसिकली जो है वो क्या, ये शो करता है इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, एंड बिटवीन द प्रिविलेज एंड द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन एडिशन, केशव रिकवरी इज चैलेंजिंग पॉलिसी, केशव रिकवरी इज चैलेंजिंग पॉलिसी मेकर, एज इट इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट स्टिमुलस एक्शन टू डेवलप पुअर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। केशव रिकवरी जो है वो पॉलिसी मेकर के लिए, जो बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको पूरे अर्थव्यवस्था को ग्रो करना है। अब पूरी अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए कुछ इकोनॉमी, कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी है, उनको थोड़ा बहुत भी आपने असिस्टेंस दे दिया, वो तो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, और कुछ रह जाएंगी। तो अब आपके लिए ये समस्या आ जाती है कि यार हम ज्यादा पैसा किसको दें, ऐसी इंडस्ट्री जो ग्रोइंग नेचर की उसको दें, या ऐसी इंडस्ट्री जो बेचारी मर चुकी है उसको दें, क्योंकि जो मर चुके उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो वो रिकवरी करेगा, और अगर उनको ज्यादा पैसा देंगे तो ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत और भी ज्यादा ग्रो कर सकती है उसके पास में कमी रह जाएगा। तो इसीलिए पॉलिसी मेकर की एक समस्या रहती है कि किस तरह की इंडस्ट्री को हम लोग जो है वो क्या करें, ज्यादा पैसा प्रोवाइड करें। ठीक है, हाउएवर द ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज ए सस्टेनेबल रिकवरी, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर एक सस्टेनेबल रिकवरी आए जो लंबे समय तक टिक पाए। ठीक है ना, इधर चाहे वो वी शेप हो, चाहे वो हॉकी स्टिक हो विद ए स्ट्रॉन्ग रीबाउंड, और चाहे इकोनॉमी नीचे चली जाए, सेटबैक हो, लेकिन उसके बाद में उसमें एक शार्प रिवर्सल जो है वो आना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, के शेप रिकवरी। तो एग्जाम के अंदर जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई के शेप रिकवरी क्या होती है। लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना, अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिएगा। और जून 2024 में जो पेपर है ना, उसके लिए ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट कर दिए,
अगर आप लोगों को ऑनलाइन बैच परचेज करना है नीचे नंबर है इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्स इंक्वायरी कर सकते हैं। और अब नया ऐप जो है वो बन गया, पुरानी वाली ऐप में कुछ बग्स थे तो अब नई ऐप के अंदर, नई ऐप हमने बनाई है मोशन मा क्लासेस के नेम से, उसमें आपको सारे के सारे फीचर जो है देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से ऐप को डेवलप किया गया। ओके, तो मोशर्मा क्लासेस के नेम से आपको एप्लीकेशन जो देखने को मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से जो है वो चीजें मिलेंगी। अब वीडियोज के अंदर जो है वो फास्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन हो गया, डाउनलोडिंग का ऑप्शन हो गया, और अब पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे ना देखे, वहीं पे लेक्चर के साथ ही आपको जो अवेलेबल हो जाएगा। ओके जी सर, तो ये था अपना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का नाम था आपका केशव रिकवरी, वो अपना कंप्लीट हो गया, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। और बाकी अगर आप ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं नीचे नंबर है इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और बाकी किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, 50 डेज का अपना क्या रोड मैप रहने वाला है उसको हम कल डिस्कस करेंगे और लग जाएंगे अपनी तैयारी के ऊपर। ओके, तो कल वाला वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर मैं पूरा बताऊंगा कैसे आपको जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है जीआरएफ का वो आपका अकॉम्प्लिश हो जाए। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।